यहाँ पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सलवार में प्लेट डालने का और बेल्ट अटैच करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। इस तरीके से आप किसी भी साइज़ की सलवार में आसानी से प्लेट डाल सकते हैं और बेल्ट अटैच कर सकते हैं। आपकी सलवार छोटी हो या बड़ी हो, या ज़्यादा घेर वाली हो या कम घेर वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अंतर होता है प्लेट डालने का, ज़्यादा घेर वाली में और कम घेर वाली में। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने इस सलवार की जो कटिंग की वीडियो है वो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसकी कटिंग की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि ये सलवार मैंने 2 मीटर कपड़े में बनाई है तो आप इसकी कटिंग ज़रूर देखें ताकि आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती इसलिए मैंने ये वीडियो 2 भागों में बनाई है। कटिंग की वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी है, अब मैं इसकी स्टिचिंग बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड की कली और पार्ट जॉइंट कर लिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने 20 बैक साइड का आसन पर भी सिलाई लगा ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आगे वाला जो आसन है वो मैंने खुला रखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड का जो आसन है इस पे हम 2 प्लेट बनाते हैं। आपकी सलवार छोटी हो या बड़ी, या ज़्यादा घेर वाली हो या कम घेर वाली, सभी साइज़ की सलवार में हम 2 प्लेट बनाते हैं। दोनों साइड से एक एक प्लेट बनाते हैं। जैसे ये 20 सेंटर है तो एक प्लेट हम इससे और एक प्लेट हम इधर से, दोनों साइड से हम एक एक प्लेट बनाते हैं। लेकिन हम फ़र्क ये करते हैं इसमें, यानी कि जैसे आपकी ज़्यादा घेर वाली सलवार है 3.5 मीटर वाली या 5 मीटर वाली या 3 मीटर वाली, तो उसमें आपको 4 से 5 इंच की प्लेट बनानी होगी बैक साइड में। ज़्यादा घेर वाली में हम 4 से 5 इंच की प्लेट बनाते हैं। ये मेरी सलवार नॉर्मल है यानी कि मीडियम साइज है, तो इसमें मैं 2 से 2.5 इंच की प्लेट बनाऊंगी। इसमें बहुत ज़्यादा घेर भी नहीं है और बिल्कुल कम भी नहीं है, यानी कि मीडियम साइज का घेर है। तो इसमें मैं दोनों साइड से 2.5-2.5 इंच की प्लेट बना लूँगी बैक साइड में। और जैसे मैंने इसकी कटिंग की वीडियो डाली थी तो उसमें ये भी कमेंट्स आया था कि आपने इसमें रुमाली नहीं लगाई है। तो फ्रेंड्स, मैं मेरी सलवार में रुमाली नहीं लगाती हूँ, क्योंकि हम जो पटियाला सलवार है उसमें बैक साइड में 2 प्लेट बनाते हैं तो वह रुमाली का काम कर देती हैं, तो इसलिए हम रुमाली नहीं लगाते हैं। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ये मैंने दोनों साइड से प्लेट बना ली हैं। अब मैं इसकी जो बेल्ट है वो लूँगी। तो यहाँ से देखिए, हम बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे। ये फ्रंट साइड का आसन है बेल्ट का, तो ये मैंने खुला रखा है। और यहाँ पे ये बैक साइड है, बैक साइड में मैं निशान लगा लूँगी। मेरी जो बेल्ट है उसमें जॉइंट नहीं है तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। और अब हम देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ पे हम 1/2 इंच दोनों ओर पे निशान लगा लेंगे जो सिलाई में दबेगा। और इस निशान से हम यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। 8 से 9 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। दोनों साइड में मैं 8-8 इंच पे निशान लगा लूँगी। और अब मैं इसको ऐसे पकड़ूँगी, दोनों साइड के ओर को ऐसे पकड़ के, और जहाँ पे हमने निशान लगाया है यहाँ पे हम कट लगा देंगे। यहाँ पे मैंने कट लगा दिया। अब जो बैक साइड में जो ये कपड़ा बचा है बेल्ट का, इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे। यहाँ से देखिए, हम जो 20 सेंटर है यहाँ आसन का, यहाँ से हम बेल्ट का 20 सेंटर मिलाएंगे और यहाँ तक हम इसमें निशान लगा देंगे। अब इसी तरीके से इस साइड में भी हम निशान लगा देंगे। ये मैं बैक साइड के लिए निशान लगा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ से लेके हम इसको नापेंगे तो ये कम से कम 12.5-13 इंच बैठ रहा है हमारा दोनों साइड में। इस साइड में भी 12.5-13 इंच है और इस साइड में भी 12.5-13 इंच है। अब देखिए, यहाँ से लेके जो ये कपड़ा बचा है दोनों साइड में, इस कपड़े की हम प्लेट बनाएंगे और बाकी बीच में हम सिंपल सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक साइड में मैंने 2 प्लेट बना के इन पे सिलाई लगा ली है, ये आप देख सकते हैं। और बैक साइड से जो मैंने 12.5-13 इंच पे ये निशान लगाया है, अब यहाँ से मैं इसमें प्लेट बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मैं 3-3 इंच की प्लेट बनाऊँगी इसमें। अगर आपकी ज़्यादा घेर वाली सलवार है तो आप यहाँ पर भी 4 से 5 इंच की प्लेट बना सकते हैं। बना सकते नहीं, आपको बनानी पड़ेगी तभी आपका कपड़ा एडजस्ट होगा।
मैं इसमें 3 इंच की प्लेट बनाऊंगी ताकि मेरा कपड़ा है जो भी एडजस्ट हो जाएगा और प्लेट है वो भी एकदम बेल्ट के बराबर आ जाएंगी, क्योंकि ये नॉर्मल घेर है। ज़्यादा घेर वाली में 4 से 5 इंच की प्लेट बनाते हैं हम, बस यही अंतर करते हैं ज़्यादा घेर और कम घेर वाली सलवार में। प्लेट छोटी बड़ी बनानी पड़ती है, बाकी हम सेम तरीके से डालते हैं। आपकी सलवार छोटी हो या बड़ी हो या ज़्यादा घेर वाली हो या कम घेर वाली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खाली प्लेट आपको कम घेर वाली में थोड़ी छोटी बनानी है और ज़्यादा घेर वाली में थोड़ी बड़ी बनानी है। अब हम 3-3 इंच की प्लेट हम एक साइड में पूरे कपड़े की बना लेंगे। तो इस तरीके से मैं ये पूरे कपड़े की प्लेट बना लूँगी। आप चाहें तो बेल्ट को साथ में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये जैसे बिगनियर्स के लिए बता रही हूँ तो इसलिए मैं बेल्ट को बाद में अटैच करके बताऊँगी, पहले मैं दोनों साइड में प्लेट बना लूँगी। अब मैंने एक साइड में ये प्लेट बना ली है, या आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी प्लेट बनके कंप्लीट है। अब आप इन प्लेटों को गिन भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये 11 प्लेट बनाई है आप देख सकते हैं, तो दूसरी साइड में भी हम 11 प्लेट ही बनाएंगे। आप प्लेट गिन भी सकते हैं और आप उसे अंदाजे से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है, तो यहाँ पे मैं दूसरी साइड का जो आसन है इसमें मैं पहले आसन को जॉइंट कर लूँगी, यानी कि जो फ्रंट साइड का आसन है उसको भी हम जॉइंट कर लेंगे, फिर हम ये दूसरी साइड में प्लेट बनाएंगे। पहले हम यहाँ पे आसन पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है। अब एक सिलाई हम इसमें इस तरीके से बैठने वाली सिलाई लगाएंगे। ये देखिए आसन पे हम डबल सिलाई लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आसन पे सिलाई लगा ली है। अब वो एक साइड में मैंने प्लेट बना ली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम दूसरी साइड में भी प्लेट बनाएंगे। अब ये प्लेट मैंने इस साइड से बनाई है, तो ये प्लेट मैं इस साइड से बनाऊंगी, यानी कि आधी प्लेट हम एक तरफ से और आधी प्लेट हम एक तरफ से। अब यहाँ 20 सेंटर से आसन से हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे, और ये प्लेट मैंने इस साइड से बनाई है, अब मैं इस साइड से प्लेट बनाऊँगी। तो इस साइड से भी मैं 3-3 इंच की ही प्लेट बनाऊँगी। आपको अंदाजा नहीं है तो आप पहले 3-3 इंच पे निशान भी लगा सकते हैं चौक से, और आपको प्रैक्टिस है तो आप ऐसे ही भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे कट आ गया हमारा, तो यहाँ पे इस कट को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पे ये लास्ट वाली प्लेट हम बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों साइड में प्लेट बना ली है और बैक साइड में मैंने 2 प्लेट बनाई है, और ये मैंने फ्रंट साइड में पूरे कपड़े की प्लेट बना ली है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे। बेल्ट हमारी एकदम इसमें परफेक्ट आएगी। ये मैंने दोनों साइड से प्लेट बनाई है, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर हमारी प्लेट बनके एकदम कंप्लीट है और एकदम बराबर की प्लेट बनी है। अब हम इसकी बेल्ट को तैयार करेंगे। तो ये मैंने इसकी बेल्ट ली है। पहले हम यहाँ पर आसन पर सिलाई लगाएंगे, जो हमने आगे वाला आसन खुला रखा है, तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। थोड़ी सी हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और फिर हम यहाँ से मशीन को आगे करेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से हम कपड़े को ऐसे खोलेंगे और यहाँ पे जो हमने सिलाई यहाँ से मशीन उठा के सिलाई लगाई है, वो हम डोरी डालने के लिए नेफा बनाएंगे। तो यहाँ से मैंने कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मोड़ेंगे, ये देखिए, और एक बार ऐसे मोड़ेंगे, ये हमारा नेफा डालने वो सॉरी डोरी डालने के लिए नेफा बन जाएगा। और यहाँ पे हम इसको फोल्ड कर लेंगे और अब हम यहाँ पे एक बैठने वाली आसन पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी बेल्ट कंप्लीट है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अपनी सलवार के ऊपर अटैच करूंगी। तो पहले मैं इसका ऐसे 20 सेंटर करूंगी और बैक साइड में मैं कट लगा लूंगी। ये बैक साइड में मैंने कट लगा लिया है और ये मैंने अपनी सलवार ली है, तो इसको भी मैं बैक साइड से रखूंगी। यहाँ पे मैं इसका बैक साइड का आसन लूँगी और यहाँ पे बेल्ट का भी बैक साइड का आसन लेंगे हम।
ये मैंने जो बैक साइड में कट लगाया है, तो यहाँ से मैं कट को ऐसे मिला के और बैक साइड से सिलाई लगाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए, ये मैंने बेल्ट अटैच कर ली है। अब मैं आपको ये सीधी करके दिखा दूँ। अब देखिए, ये मैंने यहाँ पे बेल्ट अटैच कर ली है। अब यहाँ पे मैं इसमें एक बैठने वाली सिलाई लगा लूँगी और ये हमारी बेल्ट अटैच होके और प्लेट डाल के कम्प्लीट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। और ये हमारी सलवार एकदम कम्प्लीट है और पहनने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।